जनपद महोबा में विद्युत कर्मियों द्वारा पीपीएफ घोटाले की जांच की मांग को लेकर विशाल धरना दिया गया। दिए जाने वाले धरने के दौरान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े रुपये वापस दिलाने की मांग भी प्रदेश सरकार से की गई। आपको बता दें कि प्रदेश में पीपीएफ घोटाले के चलते सरकारी कर्मचारी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किए जाने वाले इस धरना प्रदर्शन के चलते विभाग कर्मी सरकारी कामकाज का बहिष्कार करते दिखे। हम लोग यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जो सीपीएफ और जीपीएफ का घोटाला हुआ है उसके विरोध में सभी लोग बैठे हैं 11 बजे से 5 बजे तक, और अभी के निर्देशानुसार ये 13 तारीख तक कंटिन्यू है। 14 को हम लोग लखनऊ जाएंगे, जहाँ पे हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण के लिए विशाल रैली लगाई गई है, उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे। हमारी सरकार से केवल एक मांग है कि हमारा पैसा को कंफर्म करें, उसको गजट में प्रकाशित करें कि हम इस पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं। ये बहुत ही मतलब जो आदमी रुका हुआ है, किसी की भाई की शादी है, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, मजबूरी में फंसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला। इसको तो मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि इसको पीरियॉडिक बेस में लेते हुए हमें गजट में इसका उल्लेख करके समस्या की हमारा समाधान करें। ये संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की भविष्य निधि का जो ईपीएफ सीपीएफ का जो घोटाला हुआ है, उसको हमारी मांग ये कि सरकार स्वयं इस चीज़ की जिम्मेदारी ली कि कर्मचारियों का पैसा, चूँकि आज कोई 2 साल बाद रिटायर हो रहा, कोई 6 महीने बाद हो रहा है, वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से उसने कटौती करा के अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो अपना जमा किया था वो आज हमारा जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन हुआ कि हमारे ईपीएफ सीपीएफ पैसों का, मजदूरों का, अभियंता संघ भी उससे सम्मिलित है, उनका सुरक्षित हाथों में दें, और जिन्होंने घोटाले किए हैं उनकी इंक्वायरी कराकर उनको जेल भेजा जाए।